हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू जयस किचन खजाना। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ स्पॉन्जी रसगुल्ले की रेसिपी। तो सबसे पहले दूध को गर्म कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। जैसे ही हल्का गर्म हो जाए इसमें ऐड करेंगे विनेगर 1 चम्मच। आप विनेगर की जगह नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए और इसे इस तरीके से चलाते हुए इसे हमें बॉईल करना है ताकि इसमें से छेना जो है वो अलग हो जाए। तो ये अच्छे से बॉईल हो गया है, ये देखिए इसका वे अलग हो गया है और इसमें से छेना जो है वो सेपरेट हो गया है। अब इसे हम छान लेंगे। एक मसलिन क्लॉथ लेंगे और उसे स्ट्रेनर के ऊपर रख करके इस तरीके से इसे छान लेंगे। इसमें से जो एक्सेस पानी है वो निकाल लेंगे इस तरीके से प्रेस करके। अब इसे इमीडिएटली ठंडे पानी में डालेंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो नींबू या विनेगर जिसका भी आपने इस्तेमाल किया है उसका जो खट्टापन है वो इसमें से चला जाए। अब ये जो छेना है बनकर रेडी है, इसे हमें अपने हाथ से अच्छे से हथेली की मदद से इसे मसलना है ताकि ये जो है एकदम सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट सा डो इसका रेडी हो जाए। यहाँ ये थोड़ा ड्राई लग रहा था तो मैंने यहाँ इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब दूध का इस्तेमाल किया है। आप इसे मसलते हुए इसमें दूध छिड़क दें अगर ये ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। इस तरीके से सॉफ्ट सा डो इसका बना लेंगे। ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा ग्रीसी हो चुका है हाथ मेरा, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। तो अब इसके हम बॉल्स बनाएंगे। इसे इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और इसके बॉल्स बनाएंगे। साइज आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे। बस इस तरीके से इसे बॉल बनाना है। तो ये बॉल रेडी है, इसी तरीके से सारे बॉल्स बना लेंगे। ये बॉल्स बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे इसकी चाशनी। तो एक बर्तन गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे चीनी। यहाँ मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और जितनी चीनी लेंगे उसका 4 गुना इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 4 कटोरी पानी ऐड कर दिया है इसमें। और इसे उबलने के लिए रख देंगे। इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसमें एक एक करके जो बॉल बनाए हैं हमने वो इसमें डाल देंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो इसका टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा। एक एक करके इसमें ऐड करें। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई इलायची और इसे ढक करके 10 से 15 मिनट तक के लिए इसे इसमें बॉयल करना है हाई फ्लेम पे। 10 से 15 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे, ये फूल करके डबल हो जाएगी साइज में, आप देख सकते हैं यहाँ एकदम स्पॉन्जी से रसगुल्ले बनके रेडी हैं। यहाँ अब इन्हें ठंडा कर लेंगे, हम कर लेंगे गुलाब का जल। ये ऑप्शनल है टोटली। बस इसे इसी तरीके से मिक्स करेंगे और ठंडा कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। आप अभी देख सकते हैं ये कितना स्पॉन्जी बना है। तो ये अच्छे से
ठंडा हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं ये कितना स्पॉन्जी बना है, जूसी बना है। तो अगर ये रसगुल्ले की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को अगर ये रेसिपी पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, थैंक यू।